हेलो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जो अभी आप इमेजेस देख रहे हो ये क्राइमिया की है, और अभी मैटर जो निकल के आया है सामने वो ये है कि क्राइमिया के अंदर एक क्रैच नाम का एक ब्रिज है जिसके ऊपर एक ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हो गया है, जिससे वो ब्रिज टूट गया है। अब उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, वार चल रही है, और रशिया के सैनिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो उनको रसद भेजने के लिए, खाने पीने के सामान भेजने के लिए जिस जगह लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो क्राइमिया है। अब क्राइमिया के अंदर और क्राइमिया और रशिया का आपस में संपर्क, उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सिर्फ एक ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, और वही ब्रिज टूट गया है ट्रेन में ब्लास्ट होने की वजह से। तो अब रशिया के लिए इससे बड़ी बुरी खबर हो नहीं सकती कि रशिया अपने सैनिकों को रसद कैसे भेजेगा। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि यूक्रेन के जेलेंस्की जी ने कह दिया था कि हम क्राइमिया भी वापस ले लेंगे। तो रशिया और अगर रशिया और क्राइमिया का बीच में आपस में संपर्क ही टूट गया तो रशिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी अपनी आर्मी को भेजने के लिए क्राइमिया में यूक्रेन से निपटने के लिए। अब सबसे पहली बात तो ये आपको समझ आ गई कि जो ये क्राइमिया के अंदर जो ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हुआ है ये बहुत बुरी खबर है रशिया के लिए। अब मैं बताता हूँ रशिया के लिए क्राइमिया इंपॉर्टेंट क्यों है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्राइमिया वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रीजन ऑफ यूक्रेन। इट कोस्टल एरिया कंटेन्स ऑयल गैस रिजर्व विद अ टोटल एरिया ऑफ गैस ऑयल डिपॉजिट ऑफ अप टू 20,000 स्क्वेयर किलोमीटर। तो दोस्तों आपने देख लिया सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है क्राइमिया। तो देखिए दोस्तों, आगे है सेवास्टोपोल। ये बंदरगाह आपकी वीडियो में जो दिख रहा है ये क्राइमिया का बंदरगाह है सेवास्टोपोल। इसकी महत्वता जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंस इसकी इस वजह से है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस यहीं से होता है। तीसरा ये होता है, ये व्यापार ब्लैक सी से करता है। चौथा भी, यूक्रेन से लड़ने के लिए जो आर्मी भेजी गई है, आर्मी, जल सेना और थल सेना, वो यहाँ से ऑपरेट की जा रही है। और ज़्यादा फायदे देखने के लिए मैंने फिर भी आपको नोटबुक में लिख के दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से बढ़िया है। जल सेना के लिए प्रमुख आधार है, यूक्रेन को महत्वता दिखाने के लिए इसका मेन आधार है, और यहाँ पे विशाल खनिज गैस और तेल के विशाल भंडार हैं। तो दोस्तों, सेवास्तोपुल बंदरगाह क्राइमिया के अंदर पड़ता है। नाउ अभी आप देखते हैं कि उस वीडियो में हुआ क्या है जो मैं आपको बता रहा। तो दोस्तों, मैंने आपको क्राइमिया की इम्पोर्टेंस बता दी रशिया के लिए, और मैंने आपको सेवास्तोपोल का बता दिया। चलिए वीडियो देखते हैं, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।